अंग्रेजों के समय की बनी हुई कोतवाली हसायन का जीर्णोद्धार व सौंदीकरण के बाद लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के अवसर पर पुलिस जनता संवाद का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले डीएम डॉक्टर रमाशंकर मौर्य व एसपी जयप्रकाश के द्वारा फीता काटकर व दीप जलाकर लोकार्पण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर रमाशंकर मौर्य एसपी जयप्रकाश ने शिला पट्टिका का भी अनावरण किया। एसपी डीएम ने संपूर्ण कोतवाली परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार के द्वारा एसपी डीएम वसी व आशीष प्रताप सिंह को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के द्वारा सभी मंचासीनों का स्वागत किया गया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के द्वारा भी सभी पुलिसकर्मियों का स्वागत किया गया। वहीं नायक महासभा के अध्यक्ष निहाल सिंह के द्वारा सभी मंचासीन व पत्रकारों का स्वागत सम्मान किया गया। सभी ग्राम चौकीदारों को रिंकू ठाकुर ने लोई व टॉर्च भेंट की। वहीं आईटी अवेयरनेस व ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर की ट्रेनिंग हेतु जनपद से चयनित आरक्षी मुनीश कुमार को डबल ए ग्रेड प्राप्त होने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार के द्वारा 1100 रुपये नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एसपी हाथरस जयप्रकाश पुलिस जनता संवाद की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिस व जनता के बीच में संवाद होने से पुलिस व जनता के बीच दूरियां कम होती हैं, जिससे पुलिस को काम करने में आसानी होती है। पुलिस के पास सही सूचना होने से कोई निर्दोष जेल नहीं जा पाता है। वहीं शिवासी प्रताप सिंह ने कहा कि कोतवाली को एक हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति वहाँ बेहिचकाए सेल्फी ले, जिससे पुलिस व जनता के बीच की दूरियाँ कम हों। थाने में आए, अपनी बात कहे, थानाध्यक्ष से उसका संवाद हो, उसके बीट के कर्मचारियों से संवाद हो, क्षेत्राधिकारी से संवाद हो, चौकीदार की बात अच्छी तरह सुनी जाए और जो क्षेत्र की थाने को आप लोगों ने इतना सुंदर बनाया। अभी महीना दो महीना पहले बहुत खराब स्थिति थी, तो अब अच्छा लग रहा है, आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा होगा। और जैसा एसपी साहब ने बताया था, अभी संवाद चलता रहेगा।